ऐसा दृश्य शायद ही कहीं आपने देखा होगा कि विधानसभा के पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक एक साथ मौजूद होकर एक छत के नीचे प्रेम से सात्विक भोजन स्वीकार करें। शायद आपको यह बात असंभव सी लगे, पर यह संभव है केवल भगवान के घर यानी शांति सरोवर में। नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जी हाँ, आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारीज के रायपुर स्थित शांति सरोवर में पिछले 23 सालों से बजट सत्र के दौरान समस्त विधानसभा सदस्य इसी प्रकार एकजुट होकर यहाँ आते हैं और ईश्वरीय प्रसाद यानी ब्रह्म भोजन को स्वीकार करते हैं। दरअसल मौका था ब्रह्म कुमारीज राजनीतिक प्रभाग की ओर से आयोजित सम्मान समारोह और भोज का, जिसमें नव निर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत समेत छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री और विधायक मौजूद हुए और ईश्वर के दरबार में आपसी वाद विवाद को भूल ईश्वर की याद में भोजन ग्रहण कर सभी को आपसी प्रेम का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ब्रह्म कुमारी संस्था की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी परंपरा है। यह हमें सिखाती है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के विकास के लिए हमें ऐसे ही मिलजुल कर कार्य करना है। इस संस्था के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने आज पूरी सरकार पूरे विधानसभा को यहाँ पर स्नेह मिलन समारोह और ब्रह्मा भोजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया और एक बहुत सुंदर ये परंपरा है। आप लोग हर विधानसभा सत्र के समय इसी तरह से सबको एक साथ पक्ष विपक्ष सबको बुलाते हैं, अच्छी परंपरा है और ये हम लोगों को कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए या देश के विकास के लिए सबको मिलके काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की शाखाएं निचले स्तर तक भी पहुंची हुई हैं, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी अंचल में महिला सशक्तिकरण का बहुत ही अच्छा कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है। उन्होंने माउंट आबू जाने के लिए भी अपनी सहमति दी। माउंट आबू आने के लिए निश्चित रूप से आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी स्वीकृति दे दी है, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी दे दी है, हम सब लोगों की भी स्वीकृति है। आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी लोग अवश्य माउंट आबू जाएंगे और सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि शांति सरोवर में आते ही शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा विधानसभा जाते और आते समय शांति सरोवर से गुजरते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, सबका मन पवित्र हो जाता है। जब हम विधानसभा जाते हैं तो जाते समय शांति सरोवर के दर्शन होते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो शांति सरोवर के दर्शन होते हैं, यानी आते और जाते मन में शांति। विधानसभा में जितने नोक झोंक होती है, जितनी बातचीत होती है, हमारी सरोवर से निकल जाने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और सबका मन पवित्र हो जाता है, सब अच्छी सोच को लेकर जाते हैं, तो ये कमाल है शांति सरोवर का। इस मौके पर उन्होंने रायपुर की पूर्व निदेशिका बीके कमला दीदी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से हम सबको एक बार माउंट आबू जाने का अवसर और संस्था से जुड़ने का सौभाग्य मिला। आज मैं याद कर रहा हूँ इंदौर जोन की पूर्व क्षेत्रीय निदेशिका कमला दीदी को, जिनकी वजह से हम लोग काफी नजदीक से ये पूरा परिवार के साथ प्रजापति ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ने का श्रेय यदि जाता है तो उनके प्रेम से और उनके सहयोग और आशीर्वाद से हम सब जुड़े रहे और निश्चित रूप से उनका बड़ा योगदान रहा। मुझे आज भी याद है कि माउंट आबू हम सब पूरे परिवार सहित गए थे। माउंट आबू में अद्भुत अनुभव हमारा है, पूरी टीम हमारी विधायकों का पूरा विधायक अलग से प्लेन करके हम सब गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं और विधायक सब बैठे हैं, सबकी अनुमति और सहमति होगी तो एक बार फिर माउंट आबू जाने के मन बना सकते हैं। विधायक गणों के ऊपर है
क्योंकि ये उनकी इच्छा होगी तो उस इच्छा की पूर्ति का काम करना डॉक्टर रमन का या विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व है। तो यदि आप सहमत होंगे तो निश्चित रूप से माउंट आबू का कार्यक्रम बनाएंगे और आज आपने भोजन में आमंत्रित किया इस पवित्र भोजन के लिए पूरे परिवार को, खास तौर से प्रजापति ब्रह्म कुमारी रायपुर की पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बुलाया और सम्मानित किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कार्यक्रम में बुलाने के लिए ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने हमें शांति का अनुभव करने का अवसर दिया। शांति की अनुभूति करने के लिए यह बहुत ही अच्छी जगह है। उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से माउंट आबू जाने की सहमति भी प्रदान की। जिनको जिनको अपनी अंतरात्मा को आनंद से भरना है उसको निश्चित रूप से आना चाहिए और इसीलिए हम लोग आते जाते रहते हैं। ये हमारा परिवार है जो पूरे प्रदेश में सभी जगह है। कोरबा में हमारी बहनें आई हैं, भिलाई से बहनें आई हैं, सभी प्रदेश के कोने कोने से, और इन लोगों ने बड़े प्यार से ब्रह्मा भोज बनाया है अपने हाथों से। आज उसको ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबकी अंतरात्मा में भी शांति पहुँचेगी। इतना ही निवेदन है, आप सबको डॉक्टर साहब ले जाने का वादा कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम जाएंगे हम सब लोग। मैं अपनी दल की ओर से आपको स्वीकृति प्रदान करता हूँ, आप जब चाहें हम लोग तैयार हैं और हम लोगों को वो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है। आप सभी बहुत ही भाग दौड़ में लगे रहते हैं, आप बहुत कार्यों में लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए शांति का स्थान ये शांति सरोवर है, जहां आकर के आप थोड़े समय के लिए भी अपने को रिलैक्स करेंगे मेडिटेशन के द्वारा, तो आप अपने कार्यों को बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्योंकि कई बातों का आपके मन पर प्रभाव पड़ता है, टेंशन होता है, कई बातें आपको विचलित करती होंगी, लेकिन फिर से शक्ति प्राप्त करने के लिए राजयोग मेडिटेशन आपको बहुत हेल्पफुल है और हम आपको बहुत ही सहर्ष निमंत्रण भी देते हैं कि आप सभी पूरी ही विधानसभा हमारे मुख्यालय माउंट आबू चलकर के 3 दिन का राजयोग शिविर को जरूर अटेंड करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रतिपक्ष नेता, अपने पूरे विधानसभा के परिवार को लेकर के शांति सरोवर में आए हैं। सचमुच बहुत ही खुशी होती है जब 1 नवंबर वर्ष 2000 में नए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, एक बहुत सुंदर राज्य छत्तीसगढ़ के रूप में हमें प्राप्त हुआ और शांति सरोवर के पास में ही सुंदर विधानसभा बनी, जहां आप सभी आकर के बहुत ही सुंदर रीति से इस राज्य को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए नई नई विधियों का गठन करते रहे। और उस समय हमारी आदरणीय कमला दीदी और आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के मन में एक बहुत सुंदर संकल्प आया कि ये सारी विधानसभा हमारे सुंदर पवित्र शांति सरोवर में आकर के भोजन ग्रहण करे। आज ये कार्य करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे 23 वर्ष होने जा रहे हैं और इस 23 वर्ष के सफर में इतने सुंदर रीति से आप हम बहनों का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज शांति सरोवर के इस शांतमय वातावरण में आप सबका आना हुआ है। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, ओम शांति।